के बारे में। ई कॉमर्स का हमने पूरा एक सीरीज शुरू किया हुआ है जिसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड हमने काफी सारी वीडियोस हमने कवर अप कर ली है। आई थिंक 4 to 5 वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, बिकॉज हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी उसके साथ कुछ होते हैं। तो ई कॉमर्स में हमने कौन कौन सी वीडियोस कर ली हैं, पहले हम उसका आपको एक टॉपिक बता देते हैं ताकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ई कॉमर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ई कॉमर्स क्या होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का शॉर्ट फॉर्म है ई कॉमर्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आफ्टर ऑल ये है क्या। उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का वेब पोर्टल क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। व्हाई ई कॉमर्स इज इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, एंड ऑल्सो किस तरीके से ई कॉमर्स में जो है बढ़ोतरी हुई या फिर इसका जो है इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इन सब टॉपिक के बाद जो एक और बेसिक टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका डिसएडवांटेज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। तो जैसे ई कॉमर्स बहुत सारे एडवांटेजेस पे देता है, वैसे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे पहला, लैक ऑफ पर्सनल टच। लेट सपोज पहले क्या होता था, हमें कुछ बाय करना होता था, हम जाते थे शॉप पे, जाते थे, चेक करते थे, हम देखते थे वो कपड़ा, अगर हमें कुछ बाय करना है हम उसको टच करके देख सकते थे, हम उसको जो है एक अपने स्किन पे रख करके देख सकते थे कि कहीं ये हमें चुभने वाला फील तो नहीं हो रहा, क्या ये कंफर्टेबल है या नहीं, या फिर जो है इसका स्मूथनेस है या नहीं। सो मुझे टच है अबाउट द प्रोडक्ट, जो आप पर्सनली अपने प्रोडक्ट को जो खरीदना चाहते हो उसको टच करके फील करते थे कि उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे जो है वो आपका एक्सपीरियंस देने वाला है, वो अब खत्म हो चुका है। जैसे अब मैं ऑनलाइन अगर कुछ बाय कर रही हूँ तो देखने में बहुत सुंदर से कोई मुझे जो है प्रोडक्ट दिखी या टॉप दिखा, सपोज टी शर्ट दिखा, लेकिन जब मैंने उसको परचेज किया, घर पे मंगाया, तो उसको जैसे ही हमने यूज किया, पहना, तो उससे पता चला कि यार ये बहुत ज्यादा ना इरिटेटिंग वाला है, यानी कि इसमें जो है थोड़ा सा ये हमें रैशेस दे रहा है, या इसका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, जो गुड्स की क्वालिटी है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट या दैट इज नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड्स जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप पहले जमाने में यानी बिफोर द ई कॉमर्स का जो सिचुएशन था, वहां जाकर के चेक करके उसको बाय करते थे, समझते थे कि हाँ ये कैसा है, आप उसको फील करके लेते थे, आप उसको फील करके परचेस करते थे, अब वो खत्म हो चुका है, वो आपको ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूज करके कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो ये चीज एक आपका लैक कर जाती है, पर्सनल टच आपका लैक कर जाता है कि आप पर्सनली टच करके उस प्रोडक्ट को या फेस टू फेस देख करके उस प्रोडक्ट को नहीं बाय कर सकते या नहीं ले सकते। तो ये एक ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लैक आपका है, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज लैक ऑफ योर पर्सनल टच। ई कॉमर्स कैन बी इम्पर्सनल एज इट लैक्स द फेस टू फेस इंटरेक्शन दैट इज कॉमन इन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स। दिस कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी सेकेंड वन इज सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर भी बहुत सारे जो है मेजर आपको सेंसिटिव क्वेश्चंस दिखते हैं कि यहाँ पे जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसमें एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपके कार्ड के नंबर है। लेट सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिकली कुछ बाय किया, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन उसका जो है बाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप वहाँ पे जो है पेमेंट के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जो भी साइट है, वेबसाइट है, जो भी है, जहाँ से भी आप बाय कर रहे हो, जिस भी ऐप से आप बाय कर रहे हो, वहाँ अपने कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हो, नेट बैंकिंग की डिटेल्स डाल रहे हो, एंड दीज आर of the information which are very sensitive which you cannot share with anyone, ठीक है, क्योंकि अगर किसी के हाथ ये लग गई तो फिर आपके हाथ में जो भी है वो सब निकल लेगा, तो ऐसे सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट इज समथिंग जो कि आपको थोड़ा सा बचा करके चलनी पड़ती है, और यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। आपने सुना होगा गूगल को लेकर के या व्हाट्सएप को लेकर के, कई बार बीच में फेसबुक को लेकर के ऐसे खबरें आती हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली गई है, वो तो चलो आपका पर्सनल डेटा है, लेकिन जो आपके कार्ड्स की डिटेल है, ऐसी डिटेल है, वो अगर मार्केट में अवेलेबल हो गई तो कोई भी जो है जो आपके कह सकते हो हैकर्स होते हैं या फिर फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनके हाथ में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन लग गई तो वो ईजिली आपकी डेटा को लेकर के मिसयूज कर सकते हैं और आपको जो है अंबानी से बंबानी या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, अच्छी सिचुएशन से बुरी सिचुएशन में।
नो, यहाँ पे कुछ फ्रॉड्स एंड आइडेंटिकल थेफ्ट की वजह से जो है कंज्यूमर थोड़े से परेशान हो जाते हैं. दिस कैन बी अ मेजर कंसर्न फॉर कंज्यूमर एंड कैन इम्पैक्ट देयर विलिंगनेस टू शॉप ऑनलाइन. और ये जो है एक मेजर कंसर्न हो सकता है फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू बाय समथिंग. तो वो जो है ई कॉमर्स को ना चूज करके दूसरी चीज़ों को चूज कर लेते हैं कि नहीं यार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में नहीं देखना. नेक्स्ट इज शिपिंग एंड डिलीवरी इशू. शिपिंग एंड डिलीवरी को लेकर भी बहुत सारे इशूज होते हैं, जैसे कई बार पैकेट लॉस्ट हो जाना, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है या फिर कुछ किया है, आपका डिलीवरी जो है आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं. इट हैपेंड विद मी. मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने एक ऐसी बकवास सी वेबसाइट से परचेज कर लिया था. पता नहीं क्या शौक चढ़ा था, रात के 3 बजे तो बैठ के एक बार मैं शॉपिंग ऐप मतलब सर्च कर रही थी और वहां पे एक ऐप देखी जो कि थोड़ी सी पर्सनल जो आपकी इंस्टाग्राम के थ्रू होती है वैसी ऐप्स थी. ठीक है, जैसे मतलब इंस्टाग्राम पे जो आजकल के बच्चे शो करते हैं, दिखाते हैं और उनको जो है अपनी प्लेटफॉर्म लेके आते हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी थी. मैं वहाँ पे देखा, मैंने सर्च किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया. ठीक है, वहाँ पे बाय किया, वो अभी तक नहीं आया, वो 1 साल से ऊपर हो चुका है. और अब जाकर के पता चला कि वो ऐसे उन्होंने कई लोगों के साथ किया, कई कंज्यूमर्स ने जो है उनके अगेंस्ट फिर यहाँ क्वेश्चनिंग की हुई थी. सो ये तो बात हुई ऐसी. तो यहाँ पे आपका जो है शिपिंग एंड डिलीवरी इशू भी हो सकता है कि भाई आपका लॉस्ट हो जाए, या फिर आपने मंगवाया फोन और आ गई साबुन की बट्टी. ये सिचुएशंस भी आपने बहुत बार देखी होगी, न्यूज में सुनी होगी कि भाई किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, फोन मंगाया था, 25-30 हज़ार का फोन था और उसने जैसे उसको ओपन किया, बैक को पैक को जो भी था उसमें क्या निकला, उसमें निकला साबुन की बट्टी, रिन की बट्टी. तो अब मम्मी जो है उसी से उसको जो है कूट रही है उस बच्चे को कि क्यों मंगाया तूने ऑनलाइन टाइप्स. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका डिलीवरी और शिपिंग का इशू हो जाए, शिपिंग ठीक से नहीं हो रही, डिलीवरी ठीक से नहीं हो रही उस प्रोडक्ट की. सो ई कॉमर्स बिजनेस रैली ऑन शिपिंग एंड डिलीवरी सर्विस टू गेट प्रोडक्ट टू कस्टमर. हाउएवर इशू सच एज डिले, लॉस्ट पैकेज एंड डैमेज गुड्स कैन अकर विच कैन लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड लॉस्ट सेल. ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्निकल इशू. टेक्निकल इश्यूज कई बार होते हैं कि आपने पेमेंट की, आपके बैंक से डिडक्ट हो गई बट वहां तक पहुंची नहीं. दिस कुड बी एक टेक्निकल ग्लिच के कारण हो सकता है, या फिर आपका प्रोसेसिंग सिस्टम पेमेंट का, किसी और चीज का, ऑर्डर का, वो सारा प्रॉब्लम हो सकता है. तो वो कहते हैं यार नहीं लेना. ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है. तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण, टेक्निकल इश्यूज के कारण भी जो है यहाँ पे कंज्यूमर का एक एक्सपीरियंस खराब यहाँ पे बन सकता है. सो ई कॉमर्स रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी. ई कॉमर्स क्या है, पूरी पूरी टेक्नोलॉजी की बात है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक की बात है. तो टेक्नोलॉजी मस्ट बी द बेस्ट एंड मस्ट बी दैट सिचुएशन वाले जो कि आपके कंज्यूमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे. तो ऐसे सिचुएशन में वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. सो ई कॉमर्स रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज वेबसाइट सर्विस एंड पेमेंट्स प्रोसेसिंग सिस्टम विच कैन बी अ सब्जेक्ट टू टेक्निकल ग्लिच एंड डाउन टाइम. कई बार टेक्निकल ग्लिच या डाउन टाइम के कारण जो है ये गंदा एक्सपीरियंस दे सकती है. दिस कैन इम्पैक्ट द यूजर एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट इन लॉस्ट. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कई बार वो एक्सपीरियंस आपके कस्टमर्स को गंदा दे सकती है जिसके कारण वो फिर बाद में कभी यहाँ से आपके पास से शॉपिंग नहीं करेंगे. तो इसीलिए एक अच्छा टेक्निकल सिचुएशन होगा तो वो आपके जो है दोबारा से शॉपिंग करने के लिए रेडी रहेंगे. बट अगर ऐसा टेक्निकल ग्लिचेस उनके पास आ गया कि यार जब मैं पेमेंट करता हूं मेरा तो प्रॉब्लम ही आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर वो जो है बाद में आपसे बाय नहीं करेंगे, ऐसा सिचुएशन उनके लिए बन सकता है. लिमिटेड सिनेरियो एक्सपीरियंस. अनलाइक फिजिकल स्टोर, ई कॉमर्स डज नॉट अलाउ कंज्यूमर to touch, feel और try और product before purchasing. जैसे कि आपके offline stores में होता है, आप जा सकते हो, product को touch कर सकते हो, feel कर सकते हो, पहन के देख सकते हो and then buy कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे online ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पे जो experience है वो एक limited experience है कि आप सिर्फ देख सकते हो, compare कर सकते हो, price check out कर सकते हो, ओनली यही चीज आपके लिए अवेलेबल है, उससे ज्यादा आप यहाँ पे नहीं कर सकते कुछ भी. तो ये क्या है, एक लिमिटेड एक्सपीरियंस आपको देता है, एक सिर्फ लिमिटेड यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है उस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसको चेक करने के लिए. जैसे आपने जो है रिव्यूज पढ़ लिए, अब तो रिव्यूज भी फेक रिव्यूज आने लग गए हैं, तो वो सिचुएशन भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है. तो इसीलिए लिमिटेड सिनेरियो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए होता है. डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. अब ई कॉमर्स बिजनेस ऑफ्टन रिलाई ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे कि अमेजोन है, आप जो है खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो और एक पर्सन जो सेलर है जो बेच रहा है, वो दोनों एक तीसरी पार्टी के पास जाकर के यहाँ पे बैठते हैं. जैसे आपका अमेजोन के पास जा रहे हो, अमेजोन
खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता ना ही बनाता है, बल्कि वहां पे सेलर और बायर को मिलने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ थर्ड पार्टी। अगर ये उठ गई, कल को अमेज़न ने कह दिया मैं अपना धंधा पानी बंद कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे नहीं करना काम, तो सिचुएशन में सेलर एंड बायर दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको जो है जो उनका एक्सपीरियंस बन चुका है, एक आदत पड़ चुकी है और वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि एक थर्ड पार्टी के ऊपर आप रिलायबल हो, थर्ड पार्टी के ऊपर आपकी डिपेंडेंस है कि अगर थर्ड पार्टी ने मना कर दिया सो आपके दोनों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। तो ई कॉमर्स बिजनेस जो है ऑफ्टन रिलाय करती है आपका किसके ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि Amazon, eBay, Shopify, टू रीच कस्टमर्स एंड प्रोसेस पेमेंट्स। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिजल्ट इन इंक्रीज फीस एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर द यूजर एक्सपीरियंस। और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ फीसेस इंक्रीज होती हैं, कुछ ज्यादा फीसेस भी देनी पड़ती हैं, कुछ आपका लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर द एक्सपीरियंस, ये सब चीजें आपकी होती हैं। ओवरऑल ई कॉमर्स जो है काफी सारे एडवांटेजेस आपको देते हैं, बिजनेस को भी, कंज्यूमर को भी, एंड ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आप दोनों को, मींस अ बायर एंड अ सेलर दोनों को इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि वो अपने जो भी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है उसको मिटिगेट कर सके, उसको कम कर सके। सो बाय एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न, इंप्रूविंग शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस, बिजनेस कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विद देयर कस्टमर एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आपके लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, जहां पे हमने डिस्कस किया आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ आपका ई कॉमर्स। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से फिर कोशिश करूंगी और पॉइंट्स के साथ डिस्कस करने की। कई बार क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि मैम ये पॉइंट्स हमारी बुक्स में नहीं है, या फिर ये पॉइंट्स हमारी बुक्स में नहीं है, क्या हम लिख दे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, आप अपनी बुक्स में भी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सिर्फ पॉइंट्स को मत पढ़िए, पहले आप उसका मटेरियल चेकआउट कीजिए, उसमें भी यही बातें घुमा फिरा के लिखी होंगी। तो वहां पे अगर आपको वो पॉइंट्स याद रहते हैं, ये पॉइंट्स याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप जो है छाप के आ सकते हो, लेकिन आपका मटेरियल जो है क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पूछा गया है ए बी के बारे में, आप लिख के आ रहे हो एक्स वाई के बारे में, तो वो चीजें आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी पॉइंट्स जो है आप अपना थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी इंक्लूड कर सकते हो, एंड दैट्स इट फॉर आप कुछ भी इसमें जो है क्वालिटी प्रोडक्ट अपना लाइनें लिखो, अच्छी बात है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।